नमस्कार, कार्यक्रम हेल्थ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप हमारा ये कार्यक्रम इतना सराहते हैं, इसकी जानकारी हमें होती है आप ही के द्वारा भेजे गए मेल्स की। जी हाँ, आज अपने इस कार्यक्रम में हम आप ही के द्वारा भेजे गए कुछ लेटर्स, कुछ मेल और फ़ोन कॉल्स हमने लिए हैं जो शामिल करेंगे। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हेल्थ एक्सपर्ट रजनी अग्रवाल जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए हैं जो अपने इस कार्यक्रम में आज हम शामिल करेंगे। पहला मेल हमारे पास आया है सुनीता जी का, गाज़ियाबाद से। ये आपसे जानना चाह रही है कि शरीर में बहुत थकान रहती है, ज़्यादा देर तक ये खड़ी भी नहीं हो पाती, इनकी टांगों में भी मूवमेंट ज़्यादा रहती है, इसका क्या कारण है, ये इस बीमारी से किस तरह निजात पाएं? जैसे कि सुनीता जी ने बताया कि उनको शरीर में थकान रहती है, तो जो इसका जो कारण है, एक बार फिर वही हमारा जो लाइफ स्टाइल है, मैं उसी को कहूँगी कि जो हम लोग जीवन जीते हैं, हमारा जीवन इतना भागता दौड़ता है, हम सुबह से शाम काम पे भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इन सब के बीच में हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कार भी रखते हैं तो उसकी मंथली या फोर्थ नाइटली एक सर्विस की ज़रूरत होती है, एक ओवरऑलिंग की ज़रूरत होती है। तो सेम इज़ विद अवर बॉडी, हमारे शरीर के साथ भी यही है कि अगर हम उससे हम सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप काम लेते रहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर हम अपने शरीर को कुछ टाइम देंगे तो काफ़ी हद तक हमारे को कोई इस टाइप की बीमारी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे उन्होंने बताया, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, थकान रहती है, खड़ी भी नहीं हो पाती थोड़े टाइम के लिए भी, तो इसके लिए सबसे पहले वो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें। और उसके लिए आप जैसे आप काम पे जाते हैं तो हर एक घंटे बाद बैठे बैठे जो भी आप काम कर रहे हैं आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा। जब भी हम गहरा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ता है, और जब भी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हम जो हमारा जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो फास्टली एक्टिवली काम करता है, और हमारा हम चुस्त तंदुरुस्त महसूस करते हैं, थकान नहीं महसूस करते। और नंबर टू, आप अगर डेली मसाज नहीं भी कर पाएँ बॉडी मसाज, तो वीक में एक बार या दो बार तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें, क्योंकि यहाँ पे आप तिल का तेल, जैसे मैंने नाम दिया, तिल का तेल होता है विटामिन ई में प्रचुर होता है, अबंडेंट क्वांटिटी में इसमें विटामिन ई होता है जो स्किन के लिए अच्छा है। एक तो हमारे टॉक्सिन्स रिमूव करता है, और जो हमें थकान है, जो इस तरह की कोई समस्या है पैरों में दर्द वगैरह की, उससे भी निजात मिलता है। तीसरा, डाइट में आप थोड़ा सा प्रोटीनेशियस फूड लें, अच्छा बैलेंस डाइट लें। अगर डाइट हमारी अच्छी होगी तो जैसे ये समस्याएं हैं थकान की या सुस्ती की, ये सब नहीं रहेंगी। डाइट में जैसे अंकुरित अनाज हैं, दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सलाद है, मौसमी फल हैं, इन सब चीज़ों का अच्छा समावेश, अच्छा संतुलन अपनी डाइट में लें। चौथा, आप अपने रात को मतलब 8-10 किशमिश भिगो के रख दीजिए, और सुबह उसको उस किशमिश को, भीगी हुई किशमिश को आप किशमिश खाने के बाद वो पानी भी साथ में पी लीजिए, तो ये भी शरीर में एक टॉनिक का काम करेगा, एनर्जी ड्रिंक का काम करेगा। और जैसे कुछ लोग हैं, जैसे वो कहते हैं कि डायबिटिक हैं, किशमिश वगैरह नहीं खा सकते, वो लोग फिर अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर, जैसे कि बताया कि उसमें शुगर की जो क्वांटिटी है वो कम होती है कंपैरेटिव ये किशमिश की अपेक्षा। और साथ साथ आप खजूर भी दूध के साथ खा सकते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से शक्ति प्रदान करेगा, और जैसे आपने बताया कि थकान रहती है वो आपकी कुछ ही समय इसके प्रयोग से खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास अगला खत आया है कृष्ण गोपाल जी का, नजफगढ़ से। इनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है और इनका जो वजन है वो भी 90 kg का है, इनकी समस्या का समाधान करें। जी, घुटनों का जो दर्द है उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर ये कारण जनरल है, अगर कोई वैसे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है इसके पीछे, जैसे जनरल मतलब कई बार क्या होता है, हम कई घंटे खड़े खड़े काम करते हैं तो उसकी वजह से भी पैर में दर्द हो जाता है, या दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है तो आपका जो पैर है क्लच पे काफ़ी टाइम तक क्लच पे ही पैर रहता है, तो उसकी वजह से कई लोगों में घुटने की समस्या बनी रहती है। और तो आपने इस केस में आपको कुछ अपने टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। जैसे कई बार क्या, बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है, यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ जाता है तो ये घुटनों का दर्द उस वजह से भी हो सकता है। तो हमें जैसे आप कभी भी या तो अपने घर के पास या किसी स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए रिपोर्ट्स के साथ, या फिर जिससे कि उसका मूल कारण पता लगे कि घुटने का दर्द साधारण है या किसी डिजीज की वजह से है।
नहीं तो यहाँ पे मैं छोटी सी उनको चीज़ बता रही हूँ, ये तो एक जनरल वो मसाज करें तिल के तेल की। सेकेंडली वो अपने जैसे ताज़ा अदरक आता है उसको कूट के, उसको अदरक को काट के कूट के अपने घुटने पे उसका लेप लगाएं, तो काफ़ी हद तक उनकी समस्या का समाधान होगा। लेते हैं अपना अगला मेल। ये हमारे पास आया है सोनाली जी का, ऋषिकेश से। ये आपसे जानना चाह रही है कि चेहरे के सांवलेपन के लिए क्या करें, कोई उपाय बताएं। सोनाली जी, चेहरे के सांवलेपन के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन हम कुछ इसका अपनी कुछ अपने छोटे छोटे नुस्खे अपनाकर भी इस सौंदर्य को जीवन पर्यंत कायम कर सकते हैं। तो बरकरार रखा जा हाँ, सकता है उससे। जी तो सांवलापन, देखिए, अगर सांवलापन है तो ये तो ईश्वर की देन है, लेकिन हमें इसको एक मनोविकृति नहीं बना लेना चाहिए कि हम तो सांवले हैं तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सांवले लोग भी बहुत सुंदर होते हैं, अगर उसी चीज़ को ठीक से मेंटेन कर सकें, तो सांवलापन तो अपने आप में एक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पका हुआ केला लेना है, पके हुए केले का पल्प लेके उसमें 3 या 4 घिसे हुए पानी में भीगे हुए बादाम है उनको आप पत्थर पे घिस लीजिए, वो मिक्स करके उसके साथ शहद मिला के उसका प्रतिदिन अपने चेहरे पे लगाइए, और उसको जब सूखने के बाद उसको हल्के गर्म पानी से हटा लीजिए। आप ये चीज़ आप 3 हफ्ते में 3 या 4 बार कीजिए। इसके साथ साथ आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊंगी, तेज धूप में जो पीक आवर्स होते हैं सनलाइट के, जैसे 12 से 4 का समय है, उस टाइम आप धूप में कोशिश करें ना जाएं। अगर किसी वजह से जाना पड़ भी जाता है तो आप सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करें, छाते का प्रयोग करें, या ट्राई टू कवर दैट पोर्शन, जो एक्सपोज पोर्शन है उनको किसी मोटे कपड़े से ढक के, चुन्नी से ढक के आप बाहर जाएं, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सांवलेपन से बचने के लिए। तो हम चाहेंगे कि जितने भी उपाय आपने सोनाली जी के लिए बताए हैं वो जल्दी से इन्हें अपनाएं और अपने सांवलेपन को थोड़ा दूर करके थोड़ा गोरापन अपनाएं। ये हमारे पास अगला मेल आया है रेखा शर्मा जी का, दिल्ली पटेल नगर से। बालों के संदर्भ में आपने जानकारी दी थी, इन्होंने उन चीज़ों को अपनाया भी है, काफ़ी हद तक इनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है उन टिप्स का। लेकिन एक बात आपसे ये और जानना चाहेंगी, क्योंकि इनकी जो बाल झड़ते हैं वो बहुत अधिक पहले झड़ते थे, थोड़ा कम हो गए हैं, तो कुछ और इस तरह के नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर ये अपने बालों को ठीक प्रकार से लंबा कर सकती हैं, घना कर सकती हैं। देखिए, मैं पहले भी कई बार लोगों को बता चुकी हूँ कि जितने भी केमिकल शैम्पू हैं इनका इस्तेमाल ना करें या बहुत कम से कम करें। जितने भी ये केमिकल्स हैं हमारे जो हेयर फॉलिकल हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उससे बाल झड़ने की समस्या बन जाती है। सेकेंडली, जैसे इतनी फास्ट लाइफ है, सब कुछ है, तो इतनी फास्ट लाइफ में हम लोग किसी भी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इससे ना एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले उस स्ट्रेस को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर हम उस स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो बाल झड़ने की समस्या अपने आप कुछ हद तक ख़त्म हो जाती है। फिर इसमें आता है एक फैक्टर नींद का। अगर आजकल जो लाइफ स्टाइल है, लोग देर रात तक जगे रहते हैं, 3 3 4 4 बजे तक, मतलब जो जगने का टाइम है वो लोगों का सोने का टाइम होता है, तो लाइफ इतनी इम्बैलेंस हो गई है, तो उसकी वजह से फिर सुबह वही काम पे भागने की चिंता होती है, वही सब रूटीन, तो उस पीरियड में हमें प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती, उसकी वजह से ये बाल झड़ते हैं। फिर जो ये सब फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, इन सब की वजह से भी हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो हमें मेनली करना है कि अपनी डाइट में प्रोटीनेशियस फूड ज़्यादा लेने हैं, अंकुरित अनाज, दालें, दही, इन सब चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में अपनी डाइट में लेंगे हम। सलाद है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, अगर हम ये सब खाएंगे तो हमारे बाल कुछ हद तक झड़ने बंद हो जाएंगे। प्लस जो बालों के लिए हम मुख्य रसायन मानते हैं अपने नेचुरोपैथी में, अपने आयुर्वेद में, वो हम उसका स्थान जाता है आंवले को। आंवले का हम अगर नित्य प्रतिदिन सेवन करें तो बालों की नहीं पूरे शरीर की भी ऐसा सिस्टम है, ऐसे अगर आंवला हम प्रतिदिन सेवन करते हैं अपने भोजन में, तो हमें कहीं से कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती। तो अगर वो नित्य प्रति अपने डाइट में आंवले का सेवन करें, और साथ ही साथ मैं एक छोटा सा उनको नुस्खा बताने जा रही हूँ कि आप सूखा आंवला पाउडर लें या ताज़ा आंवले का रस 2 चम्मच वो लेके उसमें उतनी ही मात्रा में काले तिल उनको आप पीस लीजिए, प्लस एक भृंगराज एक नाम से औषधि आती है, उन तीनों का बराबर सम्मिश्रण बना के इसका सेवन 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप करेंगे तो आप इस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। आज हमारे जितने भी मेल्स आई हैं, आपने जितने भी लोगों को रिस्पॉन्स बताया है, उपाय बताया है, हमें पूरी यकीन है कि हमारे दर्शक इन्हें अपनाएंगे और सफल इलाज पाएंगे। आज भी रजनी जी आपका आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारा एड्रेस है रजनी अग्रवाल, QD 23, पीतमपुरा, नियर ND मार्केट, दिल्ली 110088। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999820626, 9555729555।